अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज चांद रात है और कल ईद उल फितर है, तो ईद उल फितर में आप लोगों को अपने अजीज़ो कारब को याद रखना चाहिए, दोस्तों को याद रखना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को याद रखना चाहिए। और ये ईद होती है खुशियाँ बांटने की। इसमें ये नहीं कि आप लोग सिर्फ अपनी तज़ीन और रहायश जो है उसको कपड़े वगैरह खरीदें, शॉपिंग्स करें और अपनी फैमिली के साथ करें, ये दूसरों को भी खुशियाँ देने का एक मौका होता है कि आप लोगों के ख़ानदान में वो बेवा, वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए कोई आप कोई ऐसा मौका दें उनको जो उनको खुशी का बायस बने। तो आप लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए। ईद की नमाज़ पढ़ें और उससे ईद की नमाज़ पढ़ने से जाने से पहले आप लोगों को फितराना अदा करना चाहिए, जो कि एक बड़ा ही ज़रूरी अमल है। और बाज़ लोग ईद की नमाज़ के बाद अदा करते हैं, जबकि वो तब ठीक नहीं होता, उससे ये ईद की नमाज से पहले अदा करना होता है। तो बाकी ईद खुशियों का दिन होता है, इसको खुशी के साथ गुजारें, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने अजीज़ो कारबा के घर जाएं। और वो अजीज़ो कारबा जो आप लोगों को पसंद नहीं करते या आप उनको नहीं करते, उनकी तरफ जाना ज़्यादा खुशी का बायस होता है। और अल्लाह ताला उसके बदले, इस अमल के बदले आपको ज़्यादा नेकियाँ देते हैं। तो कोशिश करें उन लोगों से मिलें जिनसे आप नाराज़ हैं, तो उनको एक गले मिलना, उनसे मिलने के बाद आप देखेंगे आपको तस्कीन मिलेगी। तो ये बड़ा खुशी का मौका होता है। तो ये मौके बार बार नहीं आते। रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में अल्लाह ताला मेरे, आपके और तमाम लोगों के जो रोज़े हैं, जो तरावी हैं, वो कबूल और मंजूर फरमाएं। तो बाकी अपने बच्चों को टाइम दीजिए और अपनी फैमिली को टाइम दीजिए और ये मौका खुशी के साथ गुजारिए। तो इसके साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। ईद के दिनों में कोशिश करेंगे कि कोई विलाग बन पाए, कहीं जाएंगे, कहीं आउटसाइड पे जाते हैं या घर में कोई ऐसा मौका बनता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में हाज़िर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।